Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज मॉर्निंग के भी बज रहे हैं 5 और हम लोग अभी बहुत ही दूर जाने वाले, एक बहुत ही ऑफ राइडिंग करने वाले हैं। हमारे साथ में साइकिल भी है और चलने वाले हैं, और मेरे साथ अतुल फ्रेंड है, आप उसको जानते होंगे, और हम इसे कुछ पूछने वाले हैं। सो गाइज, अभी जो तुम को लेके जा रहा है वहाँ, उस जगह ऑफ राइडिंग है, क्या वहाँ पर किस तरह से प्लेस है, क्या बता सकते हैं? मतलब ये एरिया मेनली ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं बोल सकते, मतलब ये एरिया काफी ग्रीन एरिया है, और सुबह में अगर आप वॉक के लिए या साइकिलिंग के लिए आना चाहते हैं और ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट एरिया है। और कुछ उसके बाद जो एरिया वो ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ के रोड कुछ ठीक नहीं है और आपको फील आने वाला है एक अलग। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जाके देखने वाले हैं कि सच में क्या किस तरह से है, और काफी देख पा रहे हैं काफी क्या मस्त का सीन जा रहा है गाइस, बहुत ही हमें यहाँ अच्छा लग रहा है आने के बाद। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कचरा फेंका हुआ यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे, बट जो मौसम है और साथ में जो ग्रीन ग्रीन हर एक जगह है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। अब वहाँ पर जाके देखते हैं किस तरह से लगेगा देखने के बाद, और फिर वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को सीन दिखाने वाले हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं हम भी। So guys, हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर अपना साइकिल को फुल करवाने के लिए। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लिक कर लिया फोटो, और बहुत ही काफी शानदार जगह है एज यू कैन सी गाइस। सो हम लोग नेक्स्ट जगह चल रहे हैं और वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। सो लेट्स गो। 1 hour later गाइस, अभी हम रास्ते से जा ही रहे थे कि मुझे एक पेड़ मिला है जो कि यहाँ पे करीब 110 साल से गाइस, ये वही पेड़ है जो कि करीब 110 साल से यहाँ पर है, और यहाँ के गाँव वासी लोग कहते हैं कि बहुत ही पुराना ये पेड़ है, और यहाँ से बहुत ही ज्यादा पुराना है और 110 साल हो गया करीब इसका। और जैसा कि देख पा रहे हैं काफी अभी भी, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत साल अभी भी ये जिंदा रहेगा इसी जगह। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पेड़ है और काफी इतने सालों से है, तो हम लोग बस देख रहे हैं क्या मस्त का व्यू आ रहा है। सो गाइस, अब हम लोग फिर से जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर, वहाँ बहुत ही अच्छा गजब का व्यू है, चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। बरगद का पेड़ जो आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए इस पेड़ को, और चलते हैं हम लोग कहीं और आगे, और हमारे साथ फ्रेंड भी है, चल रहा है। सो लेट्स गो गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, हम लोग भी परेशान हो गए इस रोड से आते आते, बहुत ही लंबा टूर था, रोड था, और जैसा देख पा रहे हैं यहाँ वैसे वीडियो में अच्छे से दिख तो नहीं रहा होगा, ये तबड़ाड़ी गिट्टी है, बट साइकिल चलाने में पता चल रहा है गाइस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बस हम सरकार से कहना चाहते हैं भाई जल्दी बनाओ इस रोड को यार, क्या है ये लोग क्या करता है पैसा लेकर के पता नहीं। अब गाइस धूप भी काफी निकल गई, अभी 6:30 बज रहा है, सो हम लोग 1.5 घंटा से जो है 1 घंटा के आसपास पूरा इधर घूम रहे हैं, और बहुत जगह हम लोगों ने घूम गया है, और अतुल भी काफी क्या थका भी है क्या? नहीं नहीं भाई। अरे भाई हम लोग मैराथन कर रहे, सो थकने वाले तो है नहीं।
सो काफी हमें मजा आ रहा है, चलते हैं कहीं और आगे। A few moments later. So finally guys, हम लोगों ने बहुत अच्छे से टूर कर लिया पूरा शहर का, और साथ में हमारी साइकिल भी है, और काफी हम लोगों को मुझे मजा आया करने में, पूरा तरह से हरे भरे और बहुत सारा बॉन्डिंग के टाइम में आप लोग भी घूमिए और बहुत ही मजा आता है। अब जो है हम जाने वाले, हम लोग घर जाने वाले हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा काली मंदिर पर, सो बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।